नादिया जिले में टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम, घटनास्थल से पिस्टल बरामद। करीमगंज विधानसभा सीट से विधायक थे सत्यजीत विश्वास, सरस्वती पूजा के आयोजन में पहुंचने के दौरान मारी गई गोली। ममता के जेल मंत्री ने सत्यजीत की हत्या का आरोप में पीएम मोदी पर किया वार, विधायक की हत्या के लिए ठहराया जिम्मेदार। ममता सरकार के शिक्षा मंत्री प्रथा चाटर्जी का आरोप, चुनावी लाभ के लिए हत्या के जरिए बीजेपी बिगाड़ना चाहती इलाके का माहौल। बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज, सत्यजीत की हत्या को टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा करार दिया। अमित शाह ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन रथ यात्रा का दिया हवाला, कहा बीजेपी से डरी हुई है सीएम ममता बनर्जी, लूटतंत्र और झूठतंत्र के सहारा रोकी रथ यात्रा। आज तक के खुलासे के बाद हरकत में बीजेपी, रथ यात्रा पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका की तैयारी, रिपोर्ट का हवाला देकर रोक हटाने की मांग। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी, कांग्रेस अटका रही है राम मंदिर की राह। अमित शाह का दावा, यूपी में बीजेपी को पहले से ही ज्यादा सीटें मिलेंगी, चाहे जो गठबंधन हो बीजेपी की सीटों पर नहीं होगा असर। आज दक्षिण में मिशन 2019 का बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री मोदी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में करेंगे रैली। सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में होगी पीएम मोदी की रैली, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। टीडीपी ने पीएम मोदी की रैली के विरोध की तैयारी की, विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाएंगे टीडीपी कार्यकर्ता, बीजेपी ने आपत्तिजनक पोस्टरों पर डीजीपी को लिखा खत। तमिलनाडु के त्रिपुर में भी पीएम मोदी करेंगे रैली, चेन्नई मेट्रो के पहले चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हो सकता है गठबंधन, हाल ही में सीएम पलानीसामी ने दिए थे संकेत। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की रैली, आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। कर्नाटक बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी करेगी ऑडियो सीरीज, सीएम कुमार स्वामी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, एक शख्स को एमएलसी पद ऑफर करने का आरोप। कल कांग्रेस ने बीजेपी पर कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति का लगाया था आरोप, जारी ऑडियो क्लिप में येदियुरप्पा पर की आवाज का किया दावा, विधायक को 10 करोड़ स्पीकर को 50 करोड़ का ऑफर। कांग्रेस के मुताबिक 12 विधायकों को मंत्री पद और 6 को चेयरमैन पोस्ट का दिया गया था लालच, सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेज करने के लिए लिया गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम। रजनीकांत की पार्टी रजनी मक्कल मंडराम के कृष्णागिरी जिले में सेक्रेटरी ने छोड़ी पार्टी, समर्थकों के साथ डीएमके का थामा दामन। कल लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगे रोड शो, लालबाग में रैली को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने प्रियंका के रोड शो के लिए की जोरदार तैयारी, कांग्रेस ने प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान सौंपते हुए दी है 42 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी। 4 दिनों के यूपी दौरे में प्रियंका यूपी के तमाम कांग्रेस नेताओं से करेंगी मुलाकात, कांग्रेस ने नए कार्यकर्ताओं और नेताओं की एंट्री के लिए भी चलाया अभियान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने कल की 8 घंटे तक पूछताछ, तीसरी बार वाड्रा किया तलब। 12 फरवरी को जयपुर में होगा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, बीकानेर में जमीन घोटाले से जुड़ा मामला, 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर है वाड्रा। यूपी में जहरीली शराब से अब तक 72 लोगों की मौत, प्रशासन और सरकार पर उठा बड़ा सवाल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।